बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने आज अपने दिल्ली स्थित आवास पर एक बैठक बुलाई। बैठक में आपको चली तो छत्तीसगढ़ के बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेतागण मौजूद रहे। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने आज छत्तीसगढ़ प्रदेश के नेताओं के साथ मुलाकात की और छत्तीसगढ़ में दलित समाज और आदिवासी समाज पर होने वाले अत्याचार व तमाम मुद्दों को लेकर भी सरकार पर जमकर घेरा। आपको चले बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने बैठक की जानकारी खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दिए। उन्होंने बताया कि बहुजन समाज पार्टी की ओर से आज दिल्ली में छत्तीसगढ़ के तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई और इस बैठक के दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के जनाधार को बढ़ाने को लेकर नेताओं को निर्देश दिए गए। तमाम आपको चले पार्टी में अन्य बदलाव भी किए गए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अक्ष से लिखते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में पार्टी संगठन की प्रगति रिपोर्ट में कमजोर तबकों के खासकर आदिवासी समाज में जनाधार को बढ़ाने से जुड़े मुद्दों के साथ ही राज्य के राजनीतिक हालात आदि पर वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ आज दिल्ली की बैठक में गहन समीक्षा व कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पहले कांग्रेस और अब वर्तमान में भाजपा की सरकार आदि विशेषकर एससी एसटी वर्ग के हित कल्याण की अनदेखी करने की शिकायतें आम है। राज्य में आपको देखिए सतनामी समाज व बाबा गुरुगोविंद दास जी की जय स्तंभ को लेकर भी ताजा स्थिति चर्चा में है। ये बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है, जो आपने स्क्रीन पर देखा है। आपको चलिए बसपा सुप्रीमो मायावती इन दिनों दिल्ली स्थित आवास पर मौजूद है। वो वहां पर लगातार किसी न किसी मुद्दे को लेकर आपको चले तो हर पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात करे। आज छत्तीसगढ़ की जहां आपको आदिवासी समाज को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बैठक बुलाई। इस बैठक में यह फैसला लिया गया है कि बसपा की ओर से छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज को अपने पाले में कैसे लाया जाए, उनको पार्टी के जनाधार को बढ़ाने को लेकर भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने बैठक बुलाई है।